हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो और वीडियो को लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपके पास एक डेटा केबल होना चाहिए। जो आपके फ़ोन के साथ केबल मिलती है वो आपकी डेटा केबल है, और इसको आपको अपने लैपटॉप में एक साइड में लगा देना है और एक साइड अपने फ़ोन में इसको लगा देना है। जब आप अपने फ़ोन में इसको लगाओगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा, तो फाइल ट्रांसफ़र पे ऐसे आपको क्लिक कर देना है। जब आप फाइल ट्रांसफ़र पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप में यहाँ पे आपका जो इंटरनल स्टोरेज वाला होगा वो फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये फ़ोन का आपका स्टोरेज दिखा रहा है, बस इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो फ़ोन में जितने भी फोल्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ फोटो और वीडियो जो होता है वो DCIM वाले फोल्डर में रहता है, तो आप इस फोल्डर को कॉपी करके अपने लैपटॉप में रख सकते हो, तो इससे आपका सारा वीडियो और फोटो कॉपी हो जाएगा। मेरा जो फोटो है ये वाले फोल्डर में है, फोटो वाले फोल्डर में है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करके जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर लेना है। मैं चाहता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पे ही पेस्ट करना, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा मोबाइल से लैपटॉप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर आ चुका है, और इसमें आप देख सकते हो ये सारे मेरे फोटो थे जो अब मेरे लैपटॉप में आ चुके हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।